हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बबीता की रसोई में। आज की रेसिपी है पेड़े। चलो फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यह मिल्क पाउडर लिया है एक कटोरी। यहाँ पे मैंने दूध लिया है, आप कोई सा भी दूध ले सकते हो। मैंने यह फुल क्रीम दूध लिया है। यहाँ पे मैंने घी लिया है और यहाँ पे आधी चम्मच से कम इलायची पाउडर। मैंने इलायची को कूट लिया है। आज हम इन लेकर रेसिपी बनाएंगे। मैं यहाँ पे दूध लूंगी। मैंने यह सारा दूध डाल दिया है। यहाँ पे हम घी डालेंगे। मैंने ये 4 चम्मच घी डाला। अब इनको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मैंने ये गैस फ्लेम पे नहीं चढ़ाया है कढ़ाई को। हम पहले सब मिक्स कर लेंगे, फिर हम गैस फ्लेम पे चढ़ाएंगे। अगर हम गैस फ्लेम पे हम चढ़ाएंगे तो ये जल जाएगा। घी और दूध को हम अच्छे से हिला लेंगे। मैंने यह दूध और घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप घी की जगह डालडा भी ले सकते हैं। मैंने यह अच्छे से मिला लिया है। इसमें हम मिल्क पाउडर डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, नहीं तो लम्स हो जाएगी। हमें इकट्ठा ही नहीं डालना है। तो गाँठें पड़ जाती है इकट्ठे डालने से। मैं अच्छे से मिला लेती हूँ मिल्क पाउडर को। मैंने यह अच्छे से मिला लिया है। मिल्क पाउडर को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। इसको हम गैस फ्लेम पे धीमी आंच पे पकाएंगे। मैंने ये गैस फ्लेम पे चढ़ा दिया है। इसको अब हम इसे हम चलाते रहेंगे धीमी। गैस फ्लेम को हाई नहीं करना, लो फ्लेम पे ही हमें पकाना है इसे। इसे लो फ्लेम पे ही पका रही है। इसे हमें अच्छे से पकाना है। यहाँ पे मैंने अच्छे से, ये जल्दी से बनने वाली रेसिपी है। यहाँ पे इसे हम चला लिए अच्छे से। अब इसे थोड़ा सा हम चेक करेंगे कि अच्छे से, इसको हम ठंडा कर लेते हैं पहले, देखते हैं कि ये इससे ये, हाँ ये हो गया है बहुत अच्छे से। अब हम गैस फ्लेम को बंद कर देते हैं, बहुत ही अच्छे से हो रहा है।
इसे अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं, ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे। ऐसे ही तो मिल्क पाउडर मीठी होती है, अगर मीठा ज़्यादा खाना पसंद है तो आप चीनी का मुरादा डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ कुछ नहीं डालूँगी, चीनी ना ही मुरादा, बिना चीनी का बना रही हूँ। इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। मैं यहाँ पे इलायची पाउडर डालूँगी, इसको अब हम अच्छे से मिला लेंगे। मैंने ये अच्छे से मिला लिया है। मैंने इलायची पाउडर को अच्छे से मिला लिया है। अब इसके हम पेड़े बनाएंगे। बहुत अच्छे से ये, अब इसके हम पेड़े बनाते हैं। ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी ले रही हूँ ताकि हाथ में ना चिपके। इसके हम गोल गोल पेड़े बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने ये गोल कर लिया है हथेलियों के सहारे से। यहाँ पे हम थोड़ा सा करेंगे, ऐसे ही हम बाकी का भी बना लेते हैं। मैंने ये सारे पेड़े बना लिए, अब इसे हम डेकोरेट करते हैं, फिर हम सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, पेड़े बनकर तैयार हैं। अगर आप सबको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर हम मिलते हैं एक रेसिपी के साथ। थैंक यू।